सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है? ये प्रश्न क्लास 10 के सोशल साइंस से है और ये है पॉलिटिकल साइंस से अर्थात राजनीतिक विज्ञान से है और ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मैट्रिक बचा के लिए। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है? तो इसका आप सटीक आंसर लिखेगा, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी से उनके हितों एवं जरूरतों का सम्मान होता है। इसमें विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव की संभावना छिन्न हो जाती है, इसलिए सत्ता में साझेदारी की व्यवस्था राजनीतिक समाज की एकता अखंडता एवं वैधता की पहली शर्त है। तो इस तरह से इसका हम सटीक आंसर लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे लोकतंत्र लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी से उनके हितों एवं जरूरतों का सम्मान होता है। इसमें विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव की संभावना छिन हो जाती है। इसलिए सत्ता में साझेदारी की व्यवस्था राजनीतिक समाज की एकता अखंडता एवं वैधता की पहली शर्त है। बस इसका कंप्लीट आंसर है। अगर पूछा जाए सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है, यानी कि सत्ता की साझेदारी यानी कि भागीदारी करना आखिर ये लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है, तो आप इसका सटीक आंसर लिखेगा, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यानी कि लोकतंत्र में जो हमारा जो है शासन का व्यवस्था लोकतंत्र, इसमें जो है सत्ता की साझेदारी यानी सत्ता की भागीदारी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी से उनके हितों एवं जरूरतों का सम्मान होता है। यदि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी हो तो उनके जो है हितों और जरूरतों का सम्मान होगा। इसमें विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव की संभावना छिन्न हो जाती है, यानी कि लोकतंत्र में जब सत्ता की साझेदारी हो तो विभिन्न सामाजिक समूह जो होते हैं जिसमें टकराव होता है ये टकराव की संभावना जो है कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए सत्ता में साझेदारी की व्यवस्था राजनीतिक समाज की एकता अखंडता एवं वैधता की पहली शर्त है। इसलिए सत्ता में साझेदारी की जो है व्यवस्था राजनीतिक समाज की
एकता यानी एक बनी, अखंडता यानी ना टूटे, एवं वैधता और वैध की पहली शर्त है, इसकी पहली शर्त है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी हो।